और अब लाइन आती है, हम हैं जरा हटके जनाबे अली। आज की जो आपकी ताबड़तोड़ वाली रिक्वेस्ट है तो उसकी हो जाए एक झलक। चलिए तेरे वास्ते फ्रॉम जरा हटके जरा बचके ताबड़तोड़ रिक्वेस्ट आई है। ताबड़तोड़ से मेरा मतलब है कि एक हफ्ते में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पर, सीखते हैं इसे भी सीखो सरल के सबसे सरल तरीके से। इस गाने को आज हम पियानो पर सीख रहे हैं, कल यही गाना आपको हारमोनियम पर भी मिल जाएगा आपके दूसरे नए चैनल सीखो सरल हारमोनियम पर। तो आपने अगर अभी तक अपने नए चैनल सीखो सरल हारमोनियम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सीखो सरल। चलिए तो शुरू करते हैं। ये गाना हमारा है जी माइनर पर, जी ए शार्प डी जी माइनर। गाना हमारा शुरू होगा मिडिल ऑक्टेव के ए शार्प से, यहां से गाना हमारा शुरू होगा। टोन ये जो आपने सुनी ये पियानो की टोन है, मगर मैंने इस गाने के दौरान दो तीन टोन चेंज करनी है और जहाँ जहाँ मैं चेंज करता जाऊँगा वहाँ आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले हम लगा लेते हैं अकॉर्डियन की टोन। तो गाने की पहली लाइन शुरू करते हैं। पहली लाइन है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊँगा। गाने के बारे में अपनी राय तो मैंने आपको दी नहीं अभी तक। गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर गाना है, गाने की लाइनें बहुत ही प्यारी हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से ही मुझको मेरी पसंद का गाना भी सिखाने को मिल जाता है, तो मेरा भी आपको बड़ा सा थैंक यू। चलिए पहली लाइन पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ बताता चलूंगा। देखिए ये बजाने में भी बहुत मजा आ रहा है। देखिए तेरे वास्ते ए शार्प से शुरू करेंगे मिडिल ऑक्टेव के, देखिए क्या किया तेरे वास्ते, अब फलक से मैं चांद लाऊंगा। ठीक, अब इसको सिंगल फिंगर से देखिए कंटिन्यू। चांद लाऊंगा जो है यहां पर आप थोड़ा गौर करिएगा, चांद लाऊंगा देखिए आप इस तरह से प्ले करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना अगर आप ऐसे प्ले करेंगे तो मजा कम आएगा। अगर आप ऐसे प्ले करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, सुंदर थोड़ी सुंदरता बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, आप लोग के लाइक देखकर ना मेहनत सफल हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो लाइन है बड़ी मज़ेदार लाइन है, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। ये भी लगभग ऐसे ही प्ले होती है, लगभग क्या 99% ऐसे ही प्ले होती है, एंड बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, कॉर्ड लगा देंगे जी माइनर। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसमें अंतर क्या था। अंतर क्या था, एंड जो हुआ है इसका, लास्ट में जो है लाऊंगा, यहां पर एंड हो गया जी नोट पर। पहले हमने जो पहली लाइन जो प्ले करी थी वो एंड हुई थी ए नोट पर, लाऊंगा, और इस बार लाऊंगा, बस ये अंतर हुआ। तो बस एंड में जो शब्द है लाऊंगा उसमें अंतर है और कुछ नहीं। पहले ही लाइन में जो लाऊंगा था वो, और ये वाली लाइन में जो लाऊंगा था, बस ये अंतर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यही दोनों लाइनें हमें दोबारा से प्ले करनी है, लाइन बिल्कुल सेम प्ले करनी है, बस एक एक शब्द में कहीं अंतर है थोड़ा सा। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले मैं लाइन प्ले कर रहा हूं, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा दोबारा से, ये चीज यहां पर लाऊंगा मैं, यहां भी लाऊंगा मैं चेंज हो गया। जब हम रिपीट करेंगे तो फिर से लाऊंगा मैं चेंज, लाऊंगा क्या हो गया इस बार, हो गया जी ए शार्प ए। ठीक, तो पूरी लाइन में मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ लाऊंगा जब आप रिपीट करेंगे तो लाऊंगा मैं चेंज कर देना, ये चीज। ठीक है, बाकी लाइन वैसी है। और इसके बाद जो हम रिपीट करेंगे 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, इसमें संग में चेंज हो जाएगा, 16-17 सितारे संग, संग जो है
ये चेंज हो जाएगा। अब पहले मैं प्ले कर रहा हूँ, इसको भी देखिए। संग में ये चीज हो गई, सी हमने ले लिया हायर ऑक्टव का और ए संग, ठीक, ये चेंज हो गया। पिछली बार जब हमने प्ले किया था संग तो सिंपल प्ले किया था ये जी ए, मगर इस बार जब रिपीट करिए लाइनों को तो संग चेंज हो गया ये चीज। तो आप इन दोनों लाइन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब हम पहली बार इन दोनों लाइन को प्ले करेंगे तो किस तरह से प्ले करना है, और जब हम इनको रिपीट करेंगे तो किन शब्दों में इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि सीखने के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन है, चांद तारों से कहो अभी ठहरे ज़रा। तो लाइन शुरू होगी हमारी ए शार्प से मिडिल ऑक्टेव के, बहुत सिंपल सी लाइन है, देखिए सिर्फ तीन नोट पर लाइन है ये, ए शार्प सी और डी, आराम से प्ले कर सकते हैं। देखिए, चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, ठीक। अब यही लाइन फिर से रिपीट होगी, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, मगर रिपीट होगी तो अंतर हो जाएगा, नोटेशन थोड़े से बीच में चेंज होंगे। इस गाने में लाइनें सिमिलर तो हैं, मगर जब लाइनें रिपीट होती हैं तो कहीं ना कहीं शब्दों में चेंजेस हैं, ये हमें ध्यान रखना है अगर आपको बिल्कुल ओरिजिनल की तरह प्ले करना है तो, वरना आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, तो रिपीट लाइन, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, मगर चेंजेस के साथ, स्टार्ट वहीं से होगी। देखिए, चांद तारों से कहो, ये तो बिल्कुल सेम था, अब की, यहां पर की ऐड हो गया, ये शब्द नहीं था पहली लाइन में, अब ऐड हो गया, की अभी ठहरे, अब जरा, जरा पे ध्यान दीजिए, ये चीज, ठीक है, चेंजेस काफी हो गए इस लाइन में। देखिए ये चीज, अब एक बार मैं प्ले करके दिखा रहा हूं इसको, और अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा धीरे प्ले करूंगा, देखिए ठीक, एक बार सिंगल फिंगर से ही बता दे रहा हूं, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद एक और प्यारी लाइन आती है, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, और ये लाइन वही लाइन है जो हम सीख चुके हैं, देखिए बजा के दिखा रहा हूं, आपकी समझ में आ जाएगा ये कौन सी धुन है। आ गई समझ में, बिल्कुल वही लाइन है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, सेम डिट्टो वही चीज़ है। और इसी लाइन को हम दोबारा से प्ले करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, दोबारा से प्ले कर रहे हैं, मगर तो चेंज क्या हुआ, चेंज आप समझ गए होंगे, हम जी नोट पर आके रुके, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था, पहली लाइन ए पर और फिर उसके बाद जी पर खत्म हुई थी, वही चीज़ यहाँ पर कर दी है। देखिए फिर से बजा के दिखा रहा हूँ, पहले इश्क लड़ा लूँ उसके बाद लाऊंगा, ये हो गई। अब यही चीज दोबारा प्ले करनी है, पहले इश्क लड़ा लूँ उसके बाद लाऊंगा, ये चीज। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझा दिया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे तो वही रिपीट है, तेरे वास्ते फलक से पूरा का पूरा वही रिपीट करेंगे। अब बढ़ते हैं अंतर की तरफ, तो अंतर की जो पहली लाइन है वो है, देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे, ये वाली लाइन है। तो ये प्ले होगी यहाँ से डी नोट से, और डी नोट कौन सा है, ये हायर ऑक्टिव का। देखिए पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, हो देखा जाए तो वैसे, पहले इतना देखेंगे ऐसे, देखा जाए तो वैसे, सिर्फ तीन नोट पर प्ले हुई, ए शार्प सी और डी, ये तीन नोट का इस्तेमाल बहुत हुआ है, ए शार्प सी और डी। अब इसके बाद अपने तो सारे पैसे, ये भी ऐसे ही है, क्या किया, अपने तो सारे पैसे। अब जो लाइन है वो है, रह के जमी पे ही वसूल है, तो ये हमारी ई नोट। अब हम हायर ऑक्टेव पर आ गए, अब लाइनें चल रही हैं हायर ऑक्टेव पर, तो ई नोट से प्ले करेंगे यहाँ से ऐसे, रह के जमी पे ही वसूल है, चार नोट ले लेंगे,
वसूल है, ठीक। और इसके बाद एक चीज और करनी है, ये चीज देखिए, पूरा प्ले करके बता रहा हूं। ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद है, चेहरा है तेरा चंदा, नैना तेरे सितारे, तो ये सेम वैसी ही लाइन है। देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे, वही लाइन है ये, बस थोड़ा सा इसमें एक नोट का अंतर है। देखिए, चेहरा है तेरा चंदा, पहले ये देखेंगे, ये तो सेम वैसे ही थी, सेम। इसके बाद नैना तेरे सितारे, इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखिए यहाँ पर एफ नोट आ गया, यहाँ पर देखिए नैना तेरे, ये चीज तेरे, ते रे, ये अंतर हो गया, नैना तेरे, अब सितारे, ठीक है। अमर तकदा नहीं फिजूल है, ऐसे, ठीक। इस लाइन में एंड में जो अलाप है वो चेंज हो जाएगा, ये चीज। और यही लाइन बोल दोबारा से रिपीट होंगे, मगर नोटेशन थोड़े चेंज हो जाएंगे, अंबर तक जाना ही फिजूल है। कोरस की लाइन में आते हैं ये बोल, मगर नोटेशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे, देखिए। इस तरह से प्ले होती है, देखिए, अंबर तक जाना ही फिजूल है, लाइन के बोल वही थे मगर धुन चेंज हो गई नोटेशन चेंज होने से, ठीक है। और इसके बाद लाइन है, इसके बाद भी अगर तुझे चैन ना मिले, मैं इसको पहले बजा के दिखा रहा हूँ आपको, फिर बताता हूँ। तो उम्मीद है आप भी समझ रहे होंगे कि अब मुझे इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कई बार ये धुन सीख चुके हैं। ये वही लाइन है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तो वही कॉपी करनी है आपको, ठीक है। दोबारा दोबारा से मेहनत नहीं करेंगे हम एक लाइन पर। अब आगे बढ़ते हैं, पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा, तो ये भी वही है, देखिए। ठीक, जो हमने सी नोट पर चेंज किया था वही चीज है ये। तो पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा, ये भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, वही कॉपी कर देना आपको, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद वही रिपीट कर देंगे, तेरे वास्ते फलक से मैं, वही सारा रिपीट होगा। अब एंड कैसे होगा, एंड देखिए, एंड होगा, कोरस की लाइन आती है, जनाबे आली जनाबे आली। अब हमें पहुंच जाना है हायर ऑक्टव के एफ नोट पर, यहां से हम प्ले करेंगे। टोन हम चेंज कर लेते हैं, टोन हम कर लेते हैं हारमोनियम की, क्योंकि लाइनें जो है आप कव्वाली टाइप की हैं, तो यहां पर हारमोनियम की जो टोन है वो अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो लाइन है, जनाबे आली जनाबे आली, तुमसे मोहब्बत है जनाबे आली। देखिए पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं। चलिए अब इसको आराम आराम से देखते हैं। वही नोट है जो नोट हमने यहाँ इस्तेमाल किए थे मिडिल ऑक्टेव में, वही यहाँ पहुँचा दिया, अब हायर ऑक्टेव पर वही नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जनाबे आली, सिर्फ तीन नोट पर एफ जी ए, जनाबे आली, फिर से रिपीट, जनाबे आली, ठीक है। अब इसके बाद तुमसे मोहब्बत है जनाबे आली, ये स्टार्ट होगी ए शार्प से, तुमसे मोहब्बत है जनाबे आली, ठीक। और इसके बाद एक अलाप आता है तेजी के साथ, उसको हम लेंगे यहां से डी नोट से लेंगे हम, ये चीज क्या किया, डी सी ए शार्प सी डी, कैसे, थोड़ा तेजी के साथ करना पड़ेगा तभी मजा आएगा। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर धीरे धीरे तेज तेज करना शुरू कर देना, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा इस तरीके से। और अब लाइन आती है, हम हैं जरा हटके जनाबे आली, देखिए, और लाइन शुरू होगी डी नोट से, देखिए, सिंपल लाइन है, हम हैं जरा हटके, इसके बाद जनाबे आली, ठीक। अब इसके बाद लाइन है, रहना जरा बच के, बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक। जैसे हमने प्ले करी थी, हम है जरा हटके, वैसे ही है रहना जरा बच के,
ठीक, और इसके बाद गुनगुनाहट होती है ऐसे। क्या किया? ए ए ए शार्प ए जी, और इसके बाद फिर से वही लाइन, हम हैं जरा हटके जनाबे आली, सेम वही। ठीक, और फिर से वही रिपीट, रहना जरा बच के, और वही गुनगुनाहट फिर से रिपीट होती है, मगर गुनगुनाहट जो है थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो इस गुनगुनाहट को वैसे ही प्ले करना है। कॉर्ड लगा दीजिए, कॉर्ड के साथ एंड कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।